इनके लिए कि अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, अरे दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से। वाह, हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम भी वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। ये बड़े खूबसूरत इंसान है अजीम भाई, ये मल्टीपल सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और सीरियल हस्बैंड भी हैं और सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये सही डेजिग्नेशन है। तो इनके आजकल मैनेजमेंट हाउस और सीईओ क्लब के आज प्लेटफॉर्म पे आए, तो इनके लिए खूबसूरत दो दिन अशार मैं इनके लिए बोलूँगा, क्योंकि आपने इनकी हर गुफ्तगू, हर लफ्ज़, चाहे वो शादियों की बात हो या अपनी हो या business. और कोई बिजनेस की बात हो, आपने इनकी सिर्फ एक चीज़ नोट की, वो इनका यकीन का लेवल था। ये वो बंदा जो यकीन जिसके अंदर नहीं बैठा होता, वो फिर जिसके अंदर खौफ और इनसिक्योरिटीज़ बैठी होती हैं, फिर वो हर उसकी गुफ्तगू नेगेटिव होती है, वो एग्जांपल भी नेगेटिव देगा, वो डाउन डाउन के वो नेगेटिव, लेकिन जिसका यकीन अंदर बैठा हो उन देरों में भी रोशनी के जुगनू जगा लेगा, नहीं है तो अपनी रोशनी खुद ही पैदा कर ले। क्योंकि जुगनू रोशनी मुस्तार भी नहीं लेता कहीं से, उसकी रोशनी भी अपनी होती है। तो इनके लिए कि अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, अरे दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से। वाह, हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम भी वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। क्या बात है। और दूसरा जुमला कहते थे कि हमने तो, इन्होंने इतना काम माशाल्लाह अपनी इतनी लाइफ में किया है, कहते थे कि हमने तो अपना दिल जला कर सरे राह रख दिया। वाह, हमने तो अपना दिल जला कर सरे राह रख दिया, अब कोई आए और पाए रोशनी कि जिंदगी में अब रोशनी के लिए आंखें खोलनी चाहिए, वरना आंखें बंद कर लो सूरज गायब हो जाता है। क्या बात। और इनके लिए जुमला, आखिरी जुमला कहते जी कि वो हमें मतलब से मिलता था और हमें तो अजीम भाई से मिलने का मतलब था। लेकिन ये इनकी क्लोजिंग के ऊपर एक और क्लोजिंग कर देते हैं, ये इन्होंने तो शेर नहीं सुनाना लेकिन मैं सुना, तो किसी ने किसी महफिल में मेरे ऊपर एक और शेर पढ़ा था, वो पता नहीं उसने उसी वक्त उधर ही लिखा था, अजीम आए हो इस दुनिया में, अजीम आए हो इस दुनिया में, कर जो हर वो काम, हर गली से आए यही आवाज, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान।